हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, जो हम एक हार्मोन्स पढ़ रहे थे ग्लैंड पढ़ रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड, फ्रेंड्स उसी के ही हार्मोन्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही हार्मोन्स जो निकलते हैं फ्रेंड्स, उनका हम डिस्कशन कर रहे हैं। और हमने जो लास्ट क्लास पहली क्लास में हमने ऑक्सीटोसिन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एडीएच हार्मोन्स पढ़ा। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे, एक हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है फ्रेंड्स, अगर जो उसका नाम देखें तो उसका नाम है एफ एस एच हार्मोन्स है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। FSH या फ्रेंड्स उसे LH हार्मोन्स कहते हैं फ्रेंड्स। ये हार्मोन्स है फ्रेंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। अब फ्रेंड्स बात करें इस हार्मोन्स को, तो इसे फ्रेंड्स एक नाम और दिया जाता है फ्रेंड्स, उसे जो नाम दिया जाता है गोनेडो हार्मोन्स भी कहा जाता है। इस हार्मोन्स को फ्रेंड्स गोनेडो हार्मोन्स भी कहा जाता है। ये गोनेडो हार्मोन्स भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स हाँ गोनेडो ट्रॉपिक हार्मोन्स कहा जाता है, सॉरी फ्रेंड्स ट्रॉप हार्मोन्स कहा जाता है हार्मोन। अब फ्रेंड्स बात करें ट्रॉपिक हार्मोन से, सॉरी गोनेडो ट्रॉपिक हार्मोन से। अब फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, इतना हमको पता है। और ये भी पता है कि हार्मोन से निकलने के बाद हमारे सबसे पहले ब्लड में आते हैं, और ब्लड के बाद फ्रेंड्स जिस हार्मोन्स का जो काम होता है वो हार्मोन्स वहां पर जाता है। तो फ्रेंड्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकला, और फ्रेंड्स ये जाके इसका जो काम है फ्रेंड्स, ये बॉडी में मेल की गैंड, ये मेल एंड फीमेल का हार्मोन्स है फ्रेंड्स। इसका जो काम है मेल एंड फीमेल फ्रेंड्स, इसका जो काम है हार्मोन्स का, ये है जो किसी की प्रजनन क्षमता के लिए स्टार्ट करता है। ये जो है प्रजनन क्षमता के लिए स्टार्ट करता है। बात करें तो आदमी के ये टेसिस में जाके वृषण में जाके ये जो है काम करता है, ये टेसिस में जाके काम करता है कि ये स्पर्म बनाने का काम करता है। ये संदेश लेके आता है और स्पर्म बनाने का कार्य करता है। अब फ्रेंड्स बात करें कि ये जो फीमेल में जाता है, ये फीमेल में जाता है, ये जाता कहां पर है तो बात करें कि ये ओवरी में जाता है, ओवरी में जाता है फ्रेंड्स। और ये ओवरी में जाकर फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इस हार्मोन्स की गोनेडो फ्रेंड्स, ये जब पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है तो मेल में अगर जो निकला तो ये वाला हार्मोन्स जो जाता है ये टेस्टिस में जाता है मेल में, ये टेस्टिस में जाता है। तो यहां से फ्रेंड्स टेस्टिस में जाता है, इसी को ही हिंदी में बात करें तो वृषण कहते हैं फ्रेंड्स। ये टेस्टिस में जाता है हार्मोन्स मेल के, तो यहां से जो संदेश ये देता है तो ये किसका देता है, ये फ्रेंड्स स्पर्म बनाने का संदेश देता है, ये स्पर्म बनाने का जो है संदेश देता है। ये मेल के में जाएगा टेस्टिस में तो स्पर्म बनाने का संदेश देगा। अब फ्रेंड्स यही हार्मोन्स अगर जो बात करें कि फीमेल में जाएगा तो फ्रेंड्स ये ओवरी में जाएगा, ये ओवरी में जाएगा
तो फ्रेंड्स ये जो अंडा रिलीज करने के लिए, ये फ्रेंड्स अंडा रिलीज करने के लिए फ्रेंड्स ये संदेशा देगा, कहे कि ये 12 साल के पहले हार्मोन्स आता, ये बात करें तो ये जो है फ्रेंड्स मेल में है, फ्रेंड्स 14 साल की एज में आता है, और ये बात करें फीमेल में तो ये आता है फ्रेंड्स 12 साल की एज में। एक लड़की को जब फ्रेंड्स परिवर्तित होती है, जिसकी क्षमता बढ़ती है मां बनने के लिए, यहीं से जो एज है स्टार्ट होती है। तो फ्रेंड्स ये हार्मोन्स का काम आपको पता चल गया कि इसका जो हार्मोन्स का काम है कि ये मेल में जाएगा तो टेसिस में स्पर्म स्टार्ट करवाएगा और फीमेल में जाएगा, ओवरी में जाके अंडा को रिलीज करने का काम करेगा। तो फ्रेंड्स इसी को ही ये गोनेडो हार्मोन्स था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक और हार्मोन्स, इसी के आगे बात कर लें, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। तो फ्रेंड्स उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, जीएच कहते हैं, जीएच। फ्रेंड्स बात करें इसी हार्मोन्स को एसपीएच भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये हार्मोन्स जो है इसका काम है, जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, सीधे सीधे फ्रेंड्स जो ये हार्मोन्स का काम करता है बच्चों में या फ्रेंड्स फीमेल में, तो इसका जो होता है ये हार्मोन्स काम करता है लंबाई के लिए। फ्रेंड्स ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और फ्रेंड्स बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन्स फ्रेंड्स, ये ग्रोथ हार्मोन्स है, और फ्रेंड्स बात करें इसका जो काम क्या है, ये लंबाई बढ़ाने के लिए काम आता है। और फ्रेंड्स अगर जो बात करें इसका जो फुल फॉर्म बात करें, तो इसका जो है इसका जो फुल फॉर्म है सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन सिस्टम हार्मोन है। फ्रेंड्स इसका फुल फॉर्म सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन्स है, और जीएच की बात करें तो ये ग्रोथ हार्मोन्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करें हम इनकी, तो इसका जो काम है, अब इसका जो काम है ये कब आने लगता है, जब बच्चा छोटा होता है तब ये आने लगता है। आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, स्टार्टिंग से लेके और अंत तक नहीं बढ़ती है। बात करें कि ये हार्मोन कब तक काम करता है, तो फ्रेंड्स ये हार्मोन काम करता 20 साल की एज तक, ये 20 साल तक काम करता है ये वाला हार्मोन्स। लंबाई अगर किसी की बढ़नी है तो फ्रेंड्स 20 साल तक ही बढ़ती है, इसके बाद लंबाई नहीं बढ़ती है। फ्रेंड्स कोई भी पाउडर या कुछ भी हो वो काम नहीं करता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से आना बंद हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की जो खवाई है, खाना पीन खान पान का जो ध्यान है बचपन में ही रखा जाता है, इसीलिए क्योंकि ये हार्मोन्स ही है जो बॉडी को डेवलप करता है और लंबाई बढ़ाता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि अगर जो ये बच्चों में नहीं आया, ये बच्चों में नहीं आया, नंबर एक बात करते हैं बच्चों में कमी हो जाए, फ्रेंड्स अगर जो बच्चों में इस हार्मोन्स की कमी हो गई तो उस बीमारी को क्या कहेंगे। फ्रेंड्स बात अगर जो बात करें बच्चों में कमी हो गई तो इसे मिड गेट कहते हैं, इस बीमारी को मिड गेट कहते हैं। अब बात करें कि मिड गेट क्या है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जिसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी तो कौन हो जाएगा, बौनापन हो जाता है। फ्रेंड्स इसकी कमी से जो बीमारी होती है उसे इंग्लिश में मिड गेट कहते हैं साइंस में, और इसी को हिंदी में कहा जाए तो बौनापन हो जाता है। अब फ्रेंड्स बात करें इसके बाद एक दूसरी स्टेज जब आती है फ्रेंड्स, ये होती है, ये दूसरी स्टेज हो
फ्रेंड्स दूसरी बात करें तो ये बच्चों में कमी हो गई, अब बच्चों में ही ज्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बच्चों में ज्यादा हो जाएगा, ये हार्मोन्स ज्यादा हो जाए तो आपने देखा होगा कि ये बौना हो गए। अब फ्रेंड्स किसी किसी को देखा होगा वो इतने ज्यादा मोटे हो जाते हैं, एज कम होती है कि दो तीन लोग सॉरी फ्रेंड्स ज्यादा मोटे हो जाते हैं। तो अब मोटे हो गए तो फ्रेंड्स उनके लिए कौन सी, उनको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता महाकाय, महाकाय फ्रेंड्स कहा जाता है। और महाकाय को अगर जो इंग्लिश में देखा जाए कि इसकी बीमारी का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स इस बीमारी का जो नाम है, इस बीमार जो बच्चों में ज्यादा हो जाता है तो महाकाय हो जाता है, जो मोटे ज्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स उनकी बीमारी का जो नाम है गिगनोटिसम हो जाता है, इसे महाकाय कहा जाता है। अब फ्रेंड्स बात करें कि अगर जो 20 साल की एज पार कर गए तब भी ये हार्मोन्स आ रहा है, तो अब फ्रेंड्स जो होगा, तो फ्रेंड्स अब ये वाला जो होगा ये तीसरे नंबर का, फ्रेंड्स तीसरे नंबर की जो बीमारी होगी फ्रेंड्स, अब ये बीमारी को एडल्ट में होगी, बड़ों में, ये फ्रेंड्स बड़ों में होगी। बात करें तो बड़ों में जो होती है इसे ही अगर जो कहा है तो एक्रोमेगैली कहते हैं फ्रेंड्स, एक्रोमेगैली कहते हैं इसे, एक्रोमेगैली कहते हैं इस बीमारी को, बड़ों में अगर जो हो जाएगी ज्यादा आ जाए तो इसे एक्रोमेगैली कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आपने देखा होगा जिसकी लंबाई ज्यादा होती है तो हम लोग उसे राक्षस कहते हैं, ये फ्रेंड्स राक्षय होता है, ये राक्षय होता है, इसे इस बीमारी को राक्षय कहा जाता है, लंबे हो जाते हैं। अगर जो आपने देखा हो फ्रेंड्स एक मूवी है मेला, आप मेला देखेंगे तो उसमें काली है फ्रेंड्स, ये टोटल इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण देखा जाए तो फ्रेंड्स मेला में जो काली है फ्रेंड्स इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण बनता है, उसने भूतों की भी फिल्म बहुत सारी बनाई है। ये फ्रेंड्स काली वाली बीमारी है जो लंबा हो जाएगा। अब फ्रेंड्स ये बात करते हैं जो मोटा हो जाता है, तो फ्रेंड्स इसकी भी ये बीमारी मोटे की है। अब बात करें जो बौनापन है जो छोटा रह जाता है, तो ये फ्रेंड्स छोटे वाली है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें, फ्रेंड्स आज हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के ही हार्मोन्स पढ़े, जो हम दो पढ़ चुके थे ऑक्सीटोसिन और एडीएच पढ़ चुके थे, उसी के आगे फ्रेंड्स हमने तीसरा हार्मोन स्टार्ट किया, वो ये एलएमएस और बात करें एलएच हार्मोन स्टार्ट किया, और फ्रेंड्स उसी के बाद ही हमने ये चौथा हार्मोन स्टार्ट किया था जिसका नाम था जीएच या एसटीएच। तो फ्रेंड्स इसमें जो ग्रोथ के बारे में हमने डिस्कस किया, और इसमें जो है हमारे एडल्ट सॉरी फ्रेंड्स ये हमारी एक ये स्टार्टिंग जो है जो हमारी ये दाढ़ी मूंछ ये मतलब जब एक लड़के से वो जवानी की तरफ जब जाता है तब का है, और ये एक लड़की से जब माँ बनने की क्षमता स्टार्ट होती है, ये तब के दोनों ही हैं। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्रेंड्स, बात करेंगे हम सीधे सीधे ओवरी की फ्रेंड्स बात करेंगे ओवरी की बात करेंगे, और इसी में ही ये फीमेल के सारे पार्ट देख लेंगे, बात करेंगे तो
टोटल फीमेल की। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बात करेंगे टोटल फीमेल की क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। और यहीं पर ही हम पूरा टोटल देख लेंगे एक बच्चे का जन्म का। तो फ्रेंड्स इस क्लास में आपका देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर जो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, और एक दो बार देखेंगे तो आपको दोनों हार्मोन्स याद हो जाएंगे। अगर जो कोई कमी हो तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फ्रेंड्स।